जिद के आगे हार नहीं माने तो एक दिन प्रयास सफल ही होते हैं। ऐसा ही कारनामा किया अलवर जिले के एक छोटे से गांव काकड़ा बरदोत के सुभाष ओला ने। शुरुआत से ही उनमें जोश और जुनून की कमी नहीं थी। उन्होंने बहुत से नवाचार किए जिसके लिए उन्होंने सम्मान भी मिले। सुभाष सिर्फ 10वीं क्लास तक पढ़े हैं और आज 140 से ज्यादा लोगों को नौकरी दे रहे हैं। कुछ अलग करने का आइडिया सुभाष को 11वीं की भौतिक विज्ञान की किताब में प्लैंक का नियम पढ़ने से आया, जिसमें बताया गया ऐसी कोई डिवाइस नहीं जरूरत पड़ रही जिसमें एग्जॉस्ट से निकली धुआं या वाष्प को ऊर्जा में बदला जा सके। इसके बाद सुभाष का मन पढ़ाई में नहीं लगा और साइंटिस्ट के इस कथन को गलत साबित करने की ठानी और 1984 से 1994 तक मेहनत करके एक डीसी थर्मल पावर प्लांट तैयार किया। देखो ये बात तो सही, काम तो हमने अकेले ने चालू किया था, लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि इसे अकेला ही आगे बढ़ता तो ये शायद संभव नहीं था। अगर अकेला तो ये आज जो टेक्नोलॉजी गांव में दबी रह जाती। इसको आगे लाने के लिए बहुत लोगों ने इसको, एक तो जयपुर से सुनील स्वामी जी थे जो न्यूज़पेपर में देख करके और यहाँ पर आए, और लगभग 2009-10 के आसपास उन्होंने भी 6-7 लाख का एक इसको काम को हेल्प करके उस काम को आगे बढ़ाया कि भाई ठीक है इस काम को आगे देखो, इसका बहुत अच्छा एक वो है। और उसके बाद में सुबह सिंह जी हैं और क्या नाम है जय सिंह पूना जी ने भी इस काम को आगे बढ़ा करके और NIF से टाइप करवाया और लगभग उस समय में नेशनल अवार्ड मिला 2015 में, फिर वर्ल्ड अवार्ड मिला थाईलैंड से और एक फ्रांस से डॉक्टरेट की उपाधि मिली। आज हमसे ऑर्डर कम्प्लीट नहीं हो पा रहे, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक प्रोडक्शन को बढ़ा करके ऑर्डर को हम कंप्लीट कर रहे हैं। फिर भी 140 से ऊपर लोग हैं, 50 से 60 बंदे ऑन फील्ड हैं और 24 घंटे काम चलता है यहाँ पर करीब करीब, तो 150 के आसपास बंदे काम कर रहे हैं फिलहाल। और अब जो आगे रिक्वायरमेंट आ रही है करीब करीब 300 350 के आसपास बंदों की ज़रूरत है फिलहाल अभी।